माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राकेश त्रिपाठी और अब हम सॉल्व करते हैं इनफिनिट इंटीग्रल की मिसलेनियस एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपने देखा होगा, ये है 1/(x^2)/(1/2)/(x^3)dx। तो इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करने के लिए एक बेहतरीन सब्स्टिट्यूशन है x = t^6। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 और 3 दोनों का एलसीएम कौन होगा, 6। अगर आपके पास सिंपल इंटीग्रल हो इस टाइप का 1/(1+)(x^1/2), तो आप x की जगह टी स्क्वायर रख के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास हो x^(1/3+1), तो x = t^3 रख सकते हैं। सपोज ऐसा प्रॉब्लम है 1/(1+)(x^1/3), देन यू कैन पुट x = t^3। इधर रख सकते हैं आप x = t^6। इससे आपका इसका भी रेडिकल यानी स्क्वायर रूट हटेगा और इसका क्यूब रूट हटेगा। तो देखिए dx विल बी 6t^5 dt। अब आपके पास है ऊपर देखिए, योर इंटीग्रल इज हैविंग ओनली dx, देयरफॉर इट बिकम्स 6t^5 dt। dx की जगह आएगा 6t^5 dt अपॉन x इज t^6 whole^1/2 प्लस x इज t^6 whole^1/3। 2 से 6 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल तो t^3 प्लस 3 से ये कैंसिल t^2। अब आप 6t^5 t^2 ले कॉमन, ये होगा t+1 dt। t^2 को इससे कैंसिल करना है तो ये आपका इंटीग्रल होगा i = 6 (t^5 dt) अपॉन t^2 से t^5 कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा t^3 अपॉन में आएगा t+1। अब कई तरीके हैं, आप t+1 को u सब्स्टिट्यूट करके कर दें, आप लॉन्ग डिवीजन से इसको डिवाइड कर दें, या फिर आप t^3+1 - 1 कर दें। और सेपरेट करेंगे तो देखिए सेपरेट कैसे करते हैं, t^3+1 ऑफकोर्स 1 and 1 cube आर सेम, माइनस dt भी लिख सकते हैं आप, -1/(t+1) dt। ये तो आपने देखा 1/(t+1) डायरेक्टली कैन बी इंटीग्रेटेड, log t+1 हो जाएगा, पर यहां डिवाइड वो फॉर्मूला लगा दें आप t^3+1 cube t+1 t^2 - t(1+1)² a³+b³ का फॉर्मूला जिस फॉर्मेट में होता है उसी तरीके से मैंने लिखा है a+b² - ab+b² t+1 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 कैंसिल, माइनस सॉरी dt इज देयर और माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस विल बी log t+1। मॉड भी लगा सकते हैं और ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, इट इज अप टू यू, नो प्रॉब्लम इज देयर। इसका बेस होगा e, अगर लिखना हो तो लिखिए, नहीं लिखना हो तो मत लिखिए। कुछ लोग इसको ln लिखते हैं, ln यानी नेचुरल log ln, तो वो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। नाउ यू कैन इंटीग्रेट दिस, इंटीग्रल ऑफ t^2 विल बी i = t^2 विल बी t^2+1/(2+1) माइनस इंटीग्रल ऑफ t
टी टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1. बी केयरफुल, इंटीग्रल ऑफ 1 विल नॉट बी x बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी. देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 1 विल बी टी. इसका इंटीग्रल टी लिखिए, माइनस लॉग टी प्लस 1 प्लस सी. कभी आप मॉड में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं. जरा भी आप प्रॉब्लम मत महसूस करें, मॉड लगाना मॉड लगा दें. अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और सिंप्लीफाई भी करते हैं. व्हाट इज टी? तो टी आप देखिए क्या है, टी टी इज एक्स टू द पावर 1/6. तो ये हो जाएगा आपका टी. व्हाट इज टी? तो टी इज एक्स टू द पावर 1/6, एक्स टू द पावर 1/6 होल टू द पावर 2 + 1 = 3 अपॉन 3 माइनस अगेन वैल्यू ऑफ टी, एक्स टू द पावर 1/6 होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स टू द पावर 1/6 माइनस लॉग एक्स टू द पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी. सो इन दिस वे दिस इंटीग्रल कैन बी इंटीग्रेटेड. और बड़ी आसानी से आपने देखा होगा हमने इसे इंटीग्रेट कर लिया. इसी के साथ आप अपने हाथों से भी इसे करके देखें, बिना देखे एक बार प्रैक्टिस करें. कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सजेशन चाहते हैं, तो जस्ट राइट मी इन माई कमेंट बॉक्स. तब तक के लिए आपको गुड लक.